मोर्फो का अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, आरडी सर्विस खत्म हो गया है, तो उसका रिचार्ज आप कैसे करते हैं, यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में आपको लिख लेना है आरडी सर्विस, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, देख के कर सकते हैं। तो आरडी सर्विस लिखने के बाद आपको सर्च करना है, सर्च करने के बाद आपका जो एड आता है उसके नीचे आपको जो है आरडी सर्विस ऑनलाइन डॉट कॉम का एक वेबसाइट आता है, इस पर आपको चले जाना है। इस पर चले जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आरडी सर्विस का वेबसाइट ओपन हो गया है, बायोमेट्रिक डिवाइस सर्टिफिकेशन, यहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वैलिडिटी, इसका जो है चेक कर लेते हैं कि कब तक है या फिर इसका मोर्फो वैलिड है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोर्फो में बैक साइड में सीरियल नंबर होगा, मैं इस बता भी देता हूँ, इस तरह का सीरियल नंबर होता है। तो सीरियल नंबर को यहाँ टाइप कर देते हैं, टाइप करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो मैं अपना यहाँ सीरियल नंबर डाल के चेक कर लेता हूँ, मैं यहाँ अपना सीरियल नंबर डाल लिया हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये वैलिडेटिंग देख रहा है, फिर से इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइस इज वैलिड बट नॉट वाइट लिस्टेड, मतलब डिवाइस जो है मोर्फो वैलिड है और इसमें रिचार्ज नहीं है, यही बता रहा है। इसका जो मैं पहले रिचार्ज किया था, तो यहाँ देख सकते हैं 13/4/20 को ये रिचार्ज हुआ था और एक्सपायर हो चुका है 22/4/2021 को, 2021 में ही ये एक्सपायर हो चुका है, एक साल का मैंने रिचार्ज किया था। तो मैं यहाँ देख लिया हूँ, अब मैं रिचार्ज की तरफ चलता हूँ, रिचार्ज करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फिर से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद रिन्यू आरडी सर्विस पे आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बाय आरडी सर्विस पे क्लिक करना है। बाय आरडी सर्विस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक साल का लेना चाहते हैं या दो साल का लेना चाहते हैं या तीन साल का लेना चाहते हैं। तो जिस तरह से अगर एक साल का लेंगे तो आपका यहाँ 375 रुपया यूनिक प्राइस है GST छोड़ के, GST भी इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद यहाँ से अगर बात कर लेते हैं दो साल की, तो दो साल में यहाँ 575 रुपये लग रहा है, इसमें भी GST छोड़ के GST इसमें इंक्लूड होगा। और तीन साल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो तीन साल में आपका जो है 725 रुपया यहाँ पे लगता है, इसमें भी आपको GST जोड़ना पड़ेगा। अब चलते हैं, इसको करते हैं, मैं यहाँ एक साल का लेने वाला हूँ। एक साल का लेने के बाद आपको यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर देना है, उसके बाद आपका जो भी मॉडल है इस मॉडल को इसमें सेलेक्ट कर लें, E3 मॉडल है या E2 मॉडल है, ये आपके डिवाइस के बैक साइड में लिखा होता है, इसको आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर भी बैक साइड में लिखा होता है। तो मैं यहाँ सीरियल नंबर और डिवाइस का मॉडल सेलेक्ट करके आगे मिलता हूँ। तो मैं यहाँ सीरियल नंबर और मॉडल नंबर डाल के उसके बाद A2 कार्ड पर आप क्लिक करता हूँ। A2 कार्ड पर क्लिक करने के बाद इस तरह का शॉपिंग कार्ड पॉपअप ओपन होता है, इसमें आपको टर्म एंड कंडीशन को आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद चेकआउट पे आपको क्लिक करना है। चेकआउट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। अगर आप पहली बार इसको रिचार्ज कर रहे हैं तो यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो सबसे मैं पहले अकाउंट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कोई भी ईमेल डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ अपना एक ईमेल डाल लेता हूँ। अगर ईमेल पे OTP नहीं गिर रहा है तो आपको यहाँ बगल में SMS का भी ऑप्शन आता है, तो SMS पे आपको क्लिक करके मोबाइल नंबर आपको कोई भी डाल देना है, डाल के सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरा OTP आ चुका है, मैं इस OTP को यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसके बाद OTP को वेरीफाई करूँगा। तो OTP को यहाँ वेरीफाई करते हैं। OTP वेरीफाई हो चुका है। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे कोई ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी को यहाँ डाल दें। उसके बाद एक पासवर्ड बना लें जिसमें कि अंक भी होना चाहिए, कोई करेक्टर भी होना चाहिए, इस तरह का आपको एक पासवर्ड बना लेना है। तो चलिए मैं यहाँ फिल करके बताता हूँ। तो यहाँ मैं सब कुछ फिल कर लिया हूँ। फिल करने के बाद आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, उसके बाद क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट प्रोवाइड है, इसमें आप जो है कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी कंपनी का आप यूज़ करते हैं। तो
कोई भी कंपनी का आप जो भी यूज़ करते हैं उस कंपनी का आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आ रहा है समझ में तो वो बैंक डाल सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अदर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देना है, उसके बाद क्लियर पे आपको क्लिक कर भी फिर से सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह का एक पेज ओपन होता है, इस पर आप यहाँ बिलिंग एड्रेस यहाँ देख सकते हैं, अगर खाली है तो उसमें डाल सकते हैं अपना एड्रेस भरते हैं, यहाँ अपने पिन कोड डाल दें, सब डिस्ट्रिक्ट डाल दें, सिटी डाल दें, स्टेट डाल दें, उसके बाद यहाँ कोई एडिशनल फ़ोन नंबर डाल दें, उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे आपको क्लिक करें। तो मैं यहाँ से फटाफट भर लेता हूँ, तो मैं यहाँ सब कुछ फिल कर लिया हूँ। फिल करने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, किस तरह से आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका दिया रहेगा, यहाँ देखिए GST जुड़ के 442 रुपये आपका कटेगा टोटल। तो ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कंप्लीट ऑर्डर पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट ऑर्डर पे आपको क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट कर दिया गया है। कुछ देर का वेट कीजिए, आपको जो भी माध्यम है करने का, यहाँ से क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, EMI पे भी आपको कर जाएगा। उसके बाद नेट बैंकिंग का भी यहाँ सुविधा दिया है, उसके बाद UPI का भी सिस्टम है, उसके बाद पेटीएम है, इस तरह से आपका बहुत सारा है। मैं यहाँ UPI से करने वाला हूँ, तो UPI पे मैं क्लिक करता हूँ। UPI करने के बाद आपका जो भी है फ़ोनपे मैं कर रहा हूँ, फ़ोनपे पे मैं यहाँ अपना UPI ID डाल लेता हूँ, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। UPI ID डालने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, वेरीफाई पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड पे आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी मोबाइल है उसमें फ़ोनपे में चला गया होगा मैसेज, वहाँ से आप इसको अप्रूव कर दें। पेमेंट अप्रूव होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर मोरफो फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सेंसर IDID, थैंक यू फेथ MD, मेरा नाम आ रहा है, योर ऑर्डर इज कन्फर्म। ये यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू टू शॉपिंग पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर डालेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, सीरियल नंबर डाल के आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 28/5/2022 को ये अभी के अभी इसको रिचार्ज किए हैं, एक्सपायरी डेट आ गया है 27/5/2023 तक, एक साल के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय।